नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार का नंबर वन यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया लाइव न्यूज। अब कल का खगड़िया का लाल मोहम्मद जावेद कश्मीर में हुआ शहीद। देखिए पाकिस्तान के खिलाफ कैसे युवाओं में आक्रोश है। अत्याचार बंद करो। बोलिए शहीद जावेद अमर रहे। शहीद जावेद अमर रहे। वहीं जैसे ही इस घटना की सूचना मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुला हाल है। उनकी बीवी और उनकी माँ बार बार बेहोश हो जा रही है। बता दे खगड़िया का लाल जो बेटा जावेद पाकिस्तानी सेनाओं और आतंकवादियों के जो है लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए हैं। आज मैं उनके परिजनों से मिलने आया हूँ, उनके खगड़िया घर पे हूँ। आपको बता दें जावेद बहुत ही गरीबी स्थिति से जूझता हुआ, मजदूरी करता हुआ 2010 में उन्होंने देश के प्रति जितनी सेवा करने की जो है उनके अंदर जो डेडिकेशन था उसको वो रोक नहीं पाए और वो देश की सेवा के लिए 2010 में वो सेना में बहाल हुए। उसके बाद से उनके परिजनों का सारा डिपेंड उनके ऊपर ही हो गया। उनके घर गुजर बसर भी जो है जावेद के ही ऊपर डिपेंड था। और एक जावेद जो अमर हो गए आज, उनके माता की जो ममता है शायद वो अपने आप को रोक नहीं पा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें गर्व भी है अपने बेटे पर की जो है देश की सुरक्षा में उनका। लेकिन सवाल उठता है, एक छोटा सा अमन है, मैं आपको बता दूं ये अमन जावेद जी का यह बेटा है और ये इनके अंदर भी वही डेडिकेशन पिताजी की तरह ही जज्बा है, देश की सुरक्षा के लेकर ये सलाम कर रहे हैं। और सवाल उठता है इस जावेद साहब जो है वो देश की सुरक्षा के लिए जो शहीद हुए, आज इनकी एक जो बीबी और इनके बच्चे इनके परिवार का क्या होगा? छोटा बच्चा जो अमर सरकार की ओर से सुरक्षा के लिए जो है पैसा मुहैया कराया जाए, उच्च से उच्च अच्छा से अच्छा शिक्षा, यानी वो मेडिकल या इंजीनियरिंग तक की जो अच्छा शिक्षा उसके लिए। उनके पिताजी का क्या कहना था? उसके पिताजी का कहना था कि मेरा बेटा डॉक्टर ही बने और चाहेंगे थे कि बने। लोगों का कहना है कि मोहम्मद जावेद का एक सपना था कि उनका बेटा अमन बड़ा होकर के वो डॉक्टर बने, तो वो सरकार से उम्मीद कर रहे हैं लोग कि अमन को डॉक्टर बनाने में सरकार मदद करे। रहने के लिए इसको घर नहीं था, कैसे कैसे ये जा करके फौज में बहाल हुआ। बहाल होने के बाद कुछ जमीन ले करके खरीदी, खरीद करके घर बनाया, बहन का शादी किया, उसका बाप ना शादी किया, उसको जीने के लिए अभी कुछ नहीं है। उसके माए बाप को, उसके बाल बच्चा बहू को खाने के लिए कुछ नहीं है। बिहार सरकार को, इंडिया सरकार को कुछ इस पर नजर डालना चाहिए, विधवा औरत पर और उसके माए बाप पर कुछ। मैसेज यही देना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को उसकी किए पर सबक सिखाए हिंदुस्तान, वो कितना अत्याचार करेगा। पाकिस्तान से हम लोग तंग आ चुके हैं। हमारे बच्चे शहीद हो गए, हमारे को कुछ में हमको गर्व है। ये जावेद के मामा है बगल में बैठा हुआ, ये भी सियासत जमात है। हाँ, हम चाहिए सरकार को तो हम और बच्चे दे सकते हैं। ये हमारा एक बच्चे तो शहीद हो गए, हमको इसके लिए घमंड है। हमारा मंगा है कि देश के लिए शहीद हो गए।